কোকো সংলগ্ন এলাকায় আরম্ভ হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, আপনারা অযথায় বাড়ি থেকে বেরোবেন না। पूरा पावर कट है, पानी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल का टावर भी ठीक से नहीं आ रहा है। कुछ कुछ जगह पे मोबाइल का टावर मिल रहा है, क्योंकि जब तक ये मेरा व्लॉग आ रहा है आपके पास तब तक तो आप जान ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से नेचुरल डिजास्टर हुआ है। वो जो अम्फन, एक्चुअली थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था उम्फन, तो मलयालम में उसका हो गया अम्फन, तो इसके साथ पूरा इंडिया में अम्फन ही बोला जा रहा है। तो उम्फन हो, अम्फन हो, जो भी हो, जैसा भी हो, तो ये है राइट सिचुएशन कोलकाता का। अभी पूरा लॉकडाउन, इसे कहते हैं कि पूरा लॉकडाउन, मतलब इंटरनेट, नो इंटरनेट, नो टेलीफोन सर्विस, नो बिजली। थैंक गॉड मेरे पास ये कुछ बैटरी के लाइट्स है जो मैं अभी जला के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और घर को भी मैं उजाला कर रहा हूँ इस लाइट के बदौलत। तो जिनके पास ये ऐसा लाइट नहीं है उनका सिचुएशन सोचिए। तो जो भी है, जैसा भी है, क्या कर सकते हैं, ये तो नेचुरल डिजास्टर है, किसी का हाथ नहीं है इसमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा बाहर जाके देखेंगे कि कैसा सिचुएशन है, बिजली कब तक आएंगे उसका खबर लेके आते हैं थोड़ा। और मोबाइल का चार्ज भी बहुत बुरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आप सोच रहे हो कि 3 दिन से बिजली नहीं है तो मोबाइल कैसे चल रहा है, क्योंकि मेरे पास जो कंप्यूटर का यूपीएस है उसी यूपीएस से मैं ये मोबाइल को चार्ज करता हूँ, किया है एक बार, और मैंने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर रख दिया है, क्योंकि टावर काम नहीं कर रहा है तो फ़ोन भी नहीं आ रहा है, फ़ोन भी किया भी नहीं जा रहा है, तो ज़्यादातर टाइम एरोप्लेन मोड में रख रहा है, कभी कभी स्विच ऑफ भी कर रहे हैं, तो ऐसे करके बचा के रखे हैं मोबाइल का पावर। तो थोड़ा बहुत व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी 30% हो चुका है बैटरी। तो अभी के लिए बाहर जाएंगे, बाहर जाके देखेंगे कि सिचुएशन क्या है, कितना गंभीर है, कब तक बिजली आएगा उसका खबर लेंगे। तो चलिए बाहर मिलते हैं। हम लोग सब निकल चुके हैं बाहर, और निकलते ही मुलाकात हो गया कुछ लोगों से, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। एक हमारे एक रिलेटिव है, उनका आज जन्मदिन है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है तो मोबाइल का चार्ज भी कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। तो वहाँ पे पातावरण भी किया हुआ है कुछ लोगों ने, तो पातावरण जो बोलता है, तो क्या बोलता है, रास्ता को अवरोध किया है। लेकिन हम टेंशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि घर पे मोबाइल, एक भी मोबाइल किसी के पास जो भी है वो उसमें चार्ज नहीं है, बैटरी लो हो चुका है, तो खबर भी नहीं दे सकते कि हम लोग कहाँ पर चले आए हैं, इसीलिए टेंशन हो रहा है थोड़ा। जितना जल्दी हो सके हम घर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे लाइट पोस्ट पे रोशनी है, पर ज़्यादातर जगह में बिजली नहीं है। बिजली के 5 खंभे गिर चुके हैं अम्फान झड़ की वजह से। अम्फान जो तूफान निकला था 3 दिन पहले, वो 5 बिजली के खंभे गिर चुके हैं, और 0.5 किलोमीटर तक बिजली की जो तार है वो टूट चुकी है, तो ज़्यादातर इलाके में ही पूरा बिजली गॉन। थैंक्स गॉड 4 दिन के बाद आज बिजली आई हुई है। इतने दिन कैसे गुजरा वो ही लोग समझेंगे जिन लोगों के साथ ऐसा कभी भी हुआ हो। ये तो कहीं पर भी कभी भी हो सकता है, तो इसको लेके ही चलना पड़ेगा। अभी भारी पड़ गया, ज़्यादा हो गया। ये वेस्ट बंगाल का सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, 1000 से ज़्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं, 5000 से ज़्यादा पेड़ गिर चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिंतामणि जयपुरी। ओ बुरा मत मानिए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जिनका व्लॉग मैं ज़्यादा देखता हूँ, चिंतामणि जयपुरी सर का मैं व्लॉग ज़्यादातर देखता हूँ, तो हिंदी के शब्द मैं उनसे लेता हूँ, क्योंकि उनका हिंदी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुंसोलिंग से आप सभी को चिंतामणि जयपुरी का प्यार भरा नमस्कार। हम किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते, और जैसे यहाँ पे ये जा रहे हैं तो पहले इनको पार होने देना है, उसके बाद ही हम लोग गाड़ी भगा सकते हैं। ये चिंतामणि जयपुरी सर, ये इनका शब्द तो लाजवाब शब्द है इनका हिंदी का, मतलब बहुत अच्छा लगता है इनका व्लॉग मुझे देखना, मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है इनका व्लॉग।
बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका ब्लॉग इतना अच्छा लगता है कि मैं इंस्पायर हो गया हूँ कि मैं भी हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, मैं एक बंगाली हूँ, तो मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा डाउन है, तो इसको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, सपोर्ट कीजिएगा मुझे, तो मेरा हिंदी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर हैविंग एन वंडरफुल टाइम। तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर ट्रैवल ब्लॉग और फूड ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन ब्लॉग करता हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में ट्रैवल तो नहीं हो पा रहा है और फूड ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कुक मत समझ लेना। मुझे आज बहुत ही ब्राउनी खाने का मन कर रहा है, लेकिन कहीं पे जाके खा नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन है और ऊपर से ये साइक्लोन की वजह से तो पूरा सब कुछ बंद है, तो नहीं जा सकते, तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आई होप कि आप सब ने सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और ब्राउनी बनाते हैं। तो ब्राउनी बनाने के लिए पहले जो मुझे चाहिए माइक्रो ओवन, वो मेरे पास नहीं है, तो एज यूजुअल मैं गैस ओवन में ही बनाऊंगा। तो पहले जो चाहिए 2 चम्मच शुगर, एक मग में मैं डाल रहा हूँ। डालने के बाद उसके ऊपर मैं दे रहा हूँ मैदा, 2 चम्मच मैदा, 2 टेबलस्पून मैदा। उसके बाद कोको पाउडर, कोका पाउडर, कोई कोका पाउडर बोलते हैं, तो 2 चम्मच कोका पाउडर। उसके बाद 1 चुटकी नमक, एकदम छोटे चम्मच चम्मच पे। उसके बाद 1 छोटे चम्मच पे बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद घी भी डाल सकते हैं आप, बटर भी दे सकते हैं, मैं बटर दे रहा हूँ, 2 बड़े चम्मच बटर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से मिक्स करूँगा, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। उसके बाद 2 बड़े चम्मच मिल्क, दूध दे रहे हैं। उसके बाद फिर से मिक्स करूँगा, पूरी तरह से अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि सारे इन्ग्रीडियंट एक साथ मिल जाने के बाद ऐसा दिखने में होगा, पूरा चॉकलेट ही बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है, अभी से अच्छा लगने लगा है मुझे। उसके बाद चोको चिप्स डालना पड़ता तो अच्छा होता, लेकिन लॉकडाउन में नहीं मिल रहा है तो मैं बादाम दे रहा हूँ। उसके बाद गैस का ओवन जला के एक ये पात्र में नमक डाल रहा हूँ, क्योंकि नमक से ये हीट सिंक हो जाएगा, डायरेक्ट हीट नहीं लगेगा। नमक के बदले में सैंड भी दे सकते थे, लेकिन सैंड अभी ढूंढना मुश्किल है, तो मैंने नमक का यूज़ किया। अब उसके बाद मग को रख के ढक दूंगा, 2 मिनट बाद खोल के देखूंगा हुआ है कि नहीं, पूरी तरह से फूल के ऊपर आ चुका है लेकिन अंदर कच्चा है कि नहीं, इसलिए मैं एक टूथपिक डाल के देख रहा हूँ। टूथपिक में पूरा एकदम गीला हो चुका है, मतलब अंदर अभी कच्चा है, तो फिर से मैं रख रहा हूँ, 1 मिनट तक हीट करूँगा, इसको तपाऊँगा। अब देख रहा हूँ कि ब्राउन एकदम पूरा कलर हो चुका है बादाम का, अभी लग रहा है कि पूरी तरह से ये हो चुका है, तो मैं ठंडा होने के बाद इसको यहाँ पर रख दिया हूँ। देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है, ऊपर उठ के आ गया है फूल के। इसके ऊपर मैं डस्ट करके चीनी डाल रहा हूँ, डेकोरेट कर रहा करने के लिए, अच्छा लगता है। दुकान में मैंने देखा है कि ऐसा गुड़ा चीनी रहता है ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ा और सजाने के लिए मैं एक चॉकलेट को ग्रीट करके ऊपर से दे रहा हूँ। देने के बाद फाइनल प्रोडक्ट यह है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, अच्छा लग रहा है, देख के ही पता चल रहा है आपको। और ये आधा ऊपर टूट के निकल आया है, तो अंदर में जो रह गया है उसमें भी मैं शुगर का डस्ट एंड चॉकलेट डस्ट दे चुका हूँ, तो उसको मैं बाद में चम्मच से खाऊंगा। लेकिन प्लेट में जो सजा के रखा है आप देख सकते हैं, टेक्सचर कितना अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है, पूरा एकदम प्रोफेशनल, दुकान में जैसे बिकते हैं वैसा ब्राउनी बना है, बहुत ही बढ़िया, ऑसम। कुछ दिन पहले मैंने देखा ब्लॉग में चिंतामणि जी का लड़के का जन्मदिन था, तो मैं ये ब्राउनी उनके लड़का गोलू को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। एक्सलेंट। अब
अभी फाइनल स्टेप है कि खाऊंगा इसको, टेस्ट करूंगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट हुआ है, ऑसम टेस्ट हुआ है, वाओ। मैं सोच भी नहीं सकता कि पहले अटेम्प्ट में ही मैं इतना सक्सेसफुली ब्राउनी बना पाऊंगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जिन्होंने इतना तक वीडियो को देख लिया है वो लाइक ना करके मत जाइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, कुछ तो कीजिए। लाइक और डिसलाइक करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो का इंप्रेशन अच्छा होता है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे किसी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। भगवान से यही प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके इस ये जो कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है ये जल्दी से जल्द खत्म हो जाए और इंडिया नए दौर में फिर से शामिल हो जाए।